आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की। बेसिकली दो तरह के डेटा टाइप होता है, एक दो तरह का ये होते हैं ऑब्जेक्ट होता है, एक डेटा ऑब्जेक्ट मतलब डेटा टाइप और दूसरा ऑब्जेक्ट टाइप। मतलब क्या होता है कि एक होता है जिसपे वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कि मैं मान लीजिए एक सिंपल सताता हूं कि जैसे हमने यहाँ पे ठीक है डिम आर एज ए इंटीजर, तो ये क्या होगा कि इस पे r इक्वल टू कोई पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। जैसे कि r 20 50 जो भी आप लिखे यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, राइट सर। लेकिन अगर हमने बोला कि dim p एज ए रेंज, तो यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि p इक्वल टू रेंज a1, ये नहीं हो सकता सर, क्योंकि रेंज एक एरिया है, ये असाइन होता है ना कि स्टोर होता है। जैसे सेट सेट पी इक्वल टू रेंज ए वन, अब क्या होगा कि ए वन पे जो भी वर्क करना होगा चाहे कॉपी हो चाहे जो भी पेस्ट हो वो हम पी के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि अब ए वन का हमने एक नाम डिफाइन कर दिया पी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो असाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आप जमीन खरीद बिक्री होती है, मैंने आपने प्लॉट आपने लिया, तो प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफर होती है, प्लॉट सेल नहीं होती है, वो क्या होती है ट्रांसफर होती है, क्योंकि प्लॉट को आप स्टोर नहीं कर सकते। तो जो चीज स्टोर नहीं हो सकती वो परचेज नहीं असाइन होती है, मतलब उसका मालिकाना हक चेंज होता है। उसी तरह से रेंज को स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेंज एक लोकेशन है, एक ऑलरेडी एक लोकेशन है, उसको हम असाइन करते हैं। रेंज की तरह, रेंज की तरह ही आप कर सकते हैं कि डिम डब्ल्यू एज ए यहाँ पे वर्क बुक, उसके आप कर सकते हैं डिम एस एज ए यहाँ पे वर्कशीट, ठीक है। और जो आपको आप मुझे फाइल सेव करना है तो यहाँ पे कर देखिए सेट डब्ल्यू इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक। अब एक्टिव वर्क बुक पे जो भी काम होने वाला है वो अब आपका डब्ल्यू पे होगा, फाइल सेव करना सेव एज करना वगैरह वगैरह। उसी तरीके से अब हमने यहाँ पे कर दिया कि सेट एसेट एस इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया कि शीट्स और यहाँ पे दे दिया हमने वन। अब पहले शीट जो है अब एस पे हो गया, अब जो सीट को रिनेम करना है सीट को डिलीट करना है, अब सीट पे होने वाले काम को एस पे किया जाएगा। इस तरह से हम वर्कबुक को भी डिफाइन करते हैं। सर सर हाँ बोलिए सर, ये अगर मैं ये है ना डिम और सेट में यही डिफरेंस है? नहीं सेट अलग हो गया, नहीं नहीं डिम तो देना पड़ेगा, डिम मतलब डायमेंशन, मतलब कि हार्ड डिस्क के किसी भी डायमेंशन में शेप करेगा। अच्छा, और सेट का क्या मतलब है? सेट का मतलब जैसे यहाँ पे आर एज ए इंटीजर कर दिया तो आर इक्वल टू 20 कर दिया ना, मतलब कि 20 आर पे स्टोर हो गया, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जब हम सेट सेट पी करेंगे तो ए वन पी के ऊपर असाइन होगा ना कि सेट होगा, सॉरी स्टोर होगा, वो असाइन करेगा। वो क्या होगा कि यहाँ 20 को आर पे नाम दे देगा, लेकिन जब हम रेंज करेंगे रेंज ए वन को असाइन कर रहा है तो ये असाइन कर रहा है तो रेंज ए वन का एक डिफाइन नेम बना दिया। जैसे यहाँ पे नेम हम लोग बनाते हैं ना यहाँ सेलेक्ट करके डिफाइन नेम में, ये क्या करता है कि ए वन का नाम अब क्या कर दिया डब्लू कर दिया। आपको जहां कहीं भी हमको ए वन चाहिए तो हम यहाँ सम डब्लू ले लेंगे ना, क्या? तो सेम फीचर आपका ये वीवी प्रोग्रामिंग में होता है कि हमने एक शॉर्ट नेम बना दिया और उस पे स्टोर कर दिया। आपको याद होगा मैंने आपको ये पढ़ाया था रेंज सिलेक्शन मेथड पढ़ाया था, रेंज सिलेक्शन मेथड, उसमें हर अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड नेम था ना सर, तो उस कॉम्प्लिकेटेड नेम में तो बड़ी बड़ी लाइनें लिखनी पड़ रही थी। अब मान लो कि उस रेंज को आपको 10 जगह यूज करना है तो 10 जगहों पे आपको उस कॉम्प्लिकेटेड नेम रेंज को 2 लाइन 3 लाइन का जो था वो लिखना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसको हम असाइन कर दें, ठीक है ना। ठीक है, असाइन करने के बाद इसका यूज करें। तो आप वर्कबुक को असाइन कर सकते हो, आप रेंज को असाइन कर सकते हो, आप सीट को असाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई अदर एप्लीकेशन है तो हमने इसे लिख दिया डिम ओ एज ए ऑब्जेक्ट।
अब अदर एप्लीकेशन में हम देखेंगे सेट ओ इक्वल टू, अब मुझे मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन स्टोर करना है तो इसमें लिख देंगे क्रिएट एप्लीकेशन और इसके अंदर में हो जाएगा आपका इन्वर्टर कॉमा में कि वर्ड डॉट एप्लीकेशन। इसी तरह से आपका अगर क्रिएट का स्पेलिंग इस पे आएगा सर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट एप्लीकेशन में तो क्या हुआ, मतलब वो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे वर्कबुक शीट रेंज के अलावा कोई एक्सेल से बाहर की चीजें हैं। अच्छा अच्छा, एक्सेल से कोई बाहर की चीजें हैं। सो अच्छा अच्छा ठीक है, समझे? हाँ जी, वो आपका क्रिएट एप्लीकेशन के अंदर आता है। तो वर्ड एप्लीकेशन, पावर पॉइंट एप्लीकेशन, आउटलुक एप्लीकेशन ऐसे डालेंगे, इंटरनल एक्सप्लोरर ऐसे डालेंगे। इसके बारे में आगे आपको हम सिखाएंगे, फिलहाल जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सर एक चीज मैं पूछ रहा हूँ कि आपने क्या किया यहाँ पे, ओ को कोई आपने वर्ड, कोई वर्ड फाइल है उसको आपने सेट कर दिया, ओ पे असाइन कर दिया। तो अभी अब जब भी मुझे वो फाइल खोलना होगा, ओपन करना होगा, तो मैं ओ यूज कर सकता हूँ उसके लिए, ओपन या क्लोज? तो ये चीज आगे बताऊंगा मैं आपको, मैं आपको बता दूं इसको क्रिएट कैसे करते हैं। अब यही नहीं, आप अपना कोई काम भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया कि सेट वर्कशीट डब्ल्यू एस इक्वल टू शीट्स डॉट एड, समझ गए? अब इसमें अब ऐसा क्यों करेंगे? अब जैसे मुझे एक साथ सीट ऐड करना है, नेम करना, बहुत सारी चीजें करनी है, तो मैं यहीं पे लिखूंगा बिथ डब्ल्यू एस और डॉट। हेलो, सुजी सर। हाँ जी, ये डायमेंशन डबल कैरेक्टर का होता कि नहीं? क्या डायमेंशन? डीम होता है ना, डबल कैरेक्टर होता है हार्ड डिस्क के। अब क्या है कि जैसे कि हार्ड डिस्क में कहीं सेव होती है जो भी लोकेशन होता है, उसको डायमेंशन कहा जाता है। वो तो ठीक है सर, मगर वो सिंगल कैरेक्टर ही लेता है या डबल कैरेक्टर भी लेता है? तो हमने यस किया, ए किया, बी किया, आर किया, नहीं नहीं कुछ भी दे सकते, नाम कुछ कोई भी दे सकते, बस इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, डॉट वगैरह नहीं होना चाहिए, स्पेस सेलेक्टर नहीं होना चाहिए, नाम कुछ भी दे सकते, अपना नाम ही दे सकते। डबल कैरेक्टर भी होता है, कैरेक्टर भी होता है। अच्छा, यहाँ देखिए ना, मैं डब्ल्यू एस कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा वर्कशीट भी लिख सकता हूँ, वर्क एस एच लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो जैसे कि आप कोई काम भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डब्ल्यू एस डॉट एड, हमने लिख दिया कि विथ डब्ल्यू एस डॉट नेम, इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, ऐसे ही डॉट मूव शीट्स टू, ठीक है, और यहाँ पे एंड। तो ऐसे कोई काम भी आप असाइन कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ना कि आप यही चीज को करने के लिए आप अलग अलग लाइन लिखते हैं, पहले आप सीट ऐड करते हैं, फिर एक्टिव सीट डॉट नेम, फिर एक्टिव सब्जेक्ट डॉट टाइप कलर डॉट एक्टिव सीट डॉट मूव, ऐसे करते ना आप, करने के बाद करते। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने बोला कि भाई डब्ल्यू एस एक सीट ऐड एक प्रोसीजर है, मतलब कि एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में इसके साथ साथ ये सारे प्रोसेस भी होने चाहिए, इन सबों के साथ जो है वो प्रोसेस को आपका फॉलो करेगा।
ठीक है। हेलो, हाँ जी ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल आपके सामने है, अब इसके बारे में आप थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च कर लीजिए, ठीक है। इन सबों का एक एक एग्जांपल मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, लेकिन आप इस पे एक बार रिसर्च कर लीजिए। अब अगला जो आता है वो आता है हमारा एरे डेटा टाइप। एरे के बारे में मैं अभी आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एरे को हम आगे जब पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। फिलहाल हम एरे को थोड़ा सा हम आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। एरे क्या है? अब जैसे कि अब सेम कास्ट का एरे के डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि अगर आपको सेम कास्ट में कई सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो उसके लिए हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 वेरिएबल चाहिए, तो हम लिखेंगे dim a as a, मान लीजिए इंटीजर ही समझ लीजिए, या लॉन्ग इंटीजर या लॉन्ग जो भी समझ लीजिए, फिर dim b as a इंटीजर इस तरह से लिखेंगे, या फिर इसी में मैं कॉमा लगा के भी लिख सकता हूँ कि बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। मतलब कि मुझे इतने सारे वेरिएबल्स के नाम रखने पड़ेंगे और सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो मैं क्यों ना हम एक एरे डिफाइन कर ले कि डिम ए और इसके अंदर में हम दे देते हैं 10 एज ए इंटीजर। तो ये क्या हो गया, ये अपने अंदर 10 वेरिएबल्स को रख लिया, मतलब कि एक टेबल हो गया। आप इसको अगर देखेंगे तो एक टेबल हो गया इस फॉर्मेट में हमारा टेबल हो गया, जिसमें यहाँ पे 10 रो हो गए और एक टेबल का नाम ए हो गया, सीक्वेंस 1 2 3 ऐसे ऐसे 4 तक चलेगा। अब हमको वैल्यू अगर असाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए पहला ए इक्वल टू अपनी वैल्यू डाल दीजिए ए इक्वल टू 30 कर दीजिए ए। तो आपको अलग अलग वेरिएबल डालने की जरूरत नहीं है, आया समझ में सर? राजेंद्र जी, विशाल जी, समझ में आया? जी सर। अब बात आती है कि इसमें एक ये होता है, इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशन एरे। इसमें एक ही सिर्फ कॉलन है, रो कई सारे हैं बट कॉलन एक ही है। आप रो और कॉलन अलग अलग एक टेबल के फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने यू के जगह पे मैंने एक से लेके हमने दे दिया 10 इधर रो एंड एक से लेके 5 कॉलन एज ए हमने लॉन्ग कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब मुझे वो टाइप करना है, तो यहां लिखूंगा यू और यहां पे पहला रो एंड पहला कॉलम इक्वल टू नंबर। ठीक है, तो एक अपने डायमेंशन में एक टेबल बना दिया जिसमें 5 रो और 10 कॉलम हो गया इस तरह से। इसका नाम हो गया यू और ए आगे आपका ए 1/1 ए 2/1 3/1 4/1 ऐसे आपका ए 1/2 2/2 3/2 तो ये दूसरा नंबर हो। अब इसका जो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में कब आएगा, जब इसका यूज मैं आपको करके आगे की क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, तो आज की जो चीजें बताई उसका यूज अभी के टाइम में बहुत कम है, लेकिन आने वाले 5-10 क्लासेस में इसका यूज आपका अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है सर, तो इस पे आप गूगल पे जाके रिसर्च कीजिए। कल हम आपको कंडीशंस जो जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेजी थी वो कंडीशंस कल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ये तो बैकग्राउंड में सामने वाले